एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी। अभी मैं अपने इंस्टीट्यूट के बाहर खड़ी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आपका ऑफलाइन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, प्लीज एड्रेस दीजिए। और ऑनलाइन क्लास में भी मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि अगर हम ऑफलाइन आकर सीखना चाहे आपसे तो कैसे सीख सकते हैं। तो आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे दो इंस्टीट्यूट है जो कि इंदौर में है, इंदौर मध्य प्रदेश में। और इंदौर में जो हमारा फर्स्ट है वो है कालानी नगर में, जो कि एयरपोर्ट के पास में। बहुत से स्टूडेंट्स को एड्रेस फाइंड आउट करने में बहुत सी दिक्कतें आती है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कालानी नगर स्क्वायर पर मोसा जलेबी, उसके साइड में जो स्ट्रीट है मोसा जलेबी के, वहां से आपको स्ट्रेट आना है। आगे आप आएंगे तो राइट साइड में 7th या 8th नंबर की बिल्डिंग आपको दिख जाएगी, वहाँ पर शिखा जाट का बोर्ड है, तो वहाँ से आपको प्रॉपर एड्रेस मिल जाएगा अगर आप कालानी नगर मेन स्क्वायर से आते हैं तो। एंड सेकेंड है हमारा विजयनगर में। सो गाइस, जो दो इंस्टीट्यूट है हमारे, उसमें से जो फर्स्ट इंस्टीट्यूट है उसका आज क्लास टूर होने वाला है। अभी जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो, यहाँ पर हमारा फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जिसमें आपको सारी चीजें प्रॉपर बताने वाली हूँ। सो चलते हैं हम फर्स्ट क्लास पर। सो गाइस, फर्स्ट फ्लोर पर हमारा इंस्टीट्यूट है और ये आपको मिलेगा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में पार्लर है, तो आ जाओ, ये हमारा एंट्रेंस गेट है। सो गाइस, एंट्री हमने ले ली है और यहाँ पर है हमारा रजिस्टर जिसमें सारे बच्चे एंट्री करते हैं जब वो आते हैं और जब वो जाते हैं, मीन्स चेक इन एंड चेक आउट टाइम। एंड यहाँ पर थॉट लिखा होता है एक बहुत अच्छा सा, आज है 6 अक्टूबर और आज का भी थॉट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारी वॉच है, कुछ आर्ट वर्क लगे हुए हैं जिसमें, ये मैंने बहुत पहले बनाई थी, ये किसी स्टूडेंट का वर्क है, ये वाटर कलर है और ये पेंसिल वर्क है, सो कलरफुल पेंसिल से मैंने इसे बनाया है। आइए आगे आता है। सो गाइज, यहाँ पर एक रंगोली बन रही है, 3D रंगोली, जो भी आप शूट्स देखते हो अगर आप दूर से देखेंगे तो ये पूरी 3D दिखाई देती है, बट अगर आप साइड में जाकर देखेंगे तो फेस बहुत ज़्यादा लंबा दिखाई देगा। और जैसा कि हम जब भी 3D रंगोली बनाते हैं तो एक साइड का पूरा स्पेस हमारा चले जाता है, जैसे यहाँ पर आपको पूरा तिरछे में दिखाई दे रहा है, तो इधर वाला कॉर्नर वाला स्पेस अभी हमने ले लिया है, सारे स्टूडेंट्स हमारे दूसरी साइड में बैठे हुए हैं। और हमने अभी जो देखा वहाँ पर रंगोली बन रही थी, ये वाला एक कॉर्नर है हमारा। यहाँ पर मेरी एक पेंटिंग लगी हुई है जो बुद्धा की पेंटिंग है और मैंने ऑयल पेंटिंग से इसे बनाया है। सबको लगता है कि ये एक्रेलिक वर्क है, बट ये एक्रेलिक नहीं है, ये ऑयल पेंटिंग है और बहुत ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि दो कलर का कॉम्बिनेशन है इसमें, ग्रीन और ब्लूइश दोनों टोन दिए है ना। और यहाँ पर भी एक स्टूडेंट वर्क है। सो गाइस, इतना हमारा हो गया है, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारी स्टूडेंट वर्क वॉल। सो गाइस, ये है हमारी स्टूडेंट वर्क वॉल। सो यहाँ पर आपको सभी टाइप के स्केच देखने को मिल जाएंगे, ग्रेफाइट वाले भी, चारकोल वाले भी। और यहाँ पर ज्यादा आवाजें बच्चों की आ रही है क्योंकि अभी क्लासेस चल रही है ना। सो ये वाला आर्टवर्क बनाया है उन्नति ने, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका आर्टवर्क है, ये विधि का है, ये प्राची का है, ये दर्शिल का आर्टवर्क है, ये अमर का है, ये भी विधि का आर्टवर्क है, ये हिमांशु का है। सो सारे जो शीट है उसमें बना रखा है, मतलब छोटी से छोटी साइज़ की भी शीट है यहाँ पर और बड़ी से बड़ी भी। जो सबसे बड़ी शीट का साइज़ है वो ये वाला है, एंड देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। सो गाइस, ये वाला सेक्शन हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है और अब इसको हम रिप्लेस करेंगे वाटर कलर से, या फिर देखते हैं और भी जब आर्टवर्क हो जाएंगे कंप्लीट तो ये किससे चेंज होता है। अब आगे आते हैं दूसरी वॉल पर। सो गाइस, आपको हमारा एक आर्टवर्क यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, हमने यहाँ पर जो झूमर है उसके आसपास पूरा जो थ्रेड वर्क है वो किया हुआ है, देख सकते हो आप। सो ये एंट्रेंस पर है हमारी, एंड यहाँ पर ट्राइपॉड हमारा लगा हुआ है क्योंकि रंगोली बन रही है और इसे हम हिला नहीं सकते। यहाँ पर दादी की फ़ोटो लगी हुई है, साथ में मिरर भी है, अगर मैं मेकअप करती हूँ तो काम आता ही है। एंड यहाँ पर मेरी एक और पेंटिंग है जो कि हॉर्स वाली पेंटिंग है और बहुत पुरानी है। एंड उसके बाद हमारा जो एरिया है वहाँ पर हमारी एडिटिंग होती है। सो यहाँ पर अक्षय, रुद्र और तनिष्क यहाँ पर एडिटिंग करते हैं। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर एडिटिंग वाला एरिया है। इसके पास में यहाँ पर है हमारा साउंड सिस्टम रखा हुआ है, एंड साउंड सिस्टम के पास में सारा जो हमारा मटेरियल होता है, रंगोली शीट एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। एंड वहाँ पर हमने
मोटिवेशन के लिए एक पेंटिंग लगाई हुई है हनुमान जी की, तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा लगता है उसे देखकर भी। सो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है एंड हमारा जो मेन काउंटर है अभी शान वहाँ पर बैठे हुए हैं। हेलो शान, हाय, कैसे हैं आप? थोड़ा आपको जोर से बोलना पड़ेगा। बहुत अच्छे हैं हम। ये वाला एरिया है हमारा। सो गाइज, यहाँ पर हमारा मंदिर है, ये काउंटर है हमारा। मेजरली हमने यहाँ पर गणेश स्थापना भी की थी, तो दादी ने उसकी स्थापना वहाँ पर की थी, तो इस वजह से वो वहाँ पर, और वहाँ पर एक फ़ोटो लगी है मेरी और दादी की, और दादी के फ़ोटो के ऊपर हमने क्राउन लगाया हुआ है। हमेशा जब भी मैं वहाँ से बैठ कर क्लासेस लेती हूँ, ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, तो बैकग्राउंड में वो दिखती ही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा भी है कि दादी की फ़ोटोज लगा रखी आपने। हाँ, तो दादी मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, और इस क्लास में जब स्टार्ट हुआ था तो दादी ने ही यहाँ पर कलश स्थापना की थी। सो एक फ़ोटो दादी के सामने है और एक वहाँ पर है। यहाँ पर हमें गिफ्ट भी मिला है तमिलनाडु से, जो कि आरशी नाज ने गिफ्ट किया था मुझे। इसमें मेरी लाइफ की सारी फ़ोटोज़ है, मतलब इंस्टाग्राम पर जितनी भी फ़ोटोज़ मैंने पोस्ट की है सारी फोटोज है इसमें, और बहुत प्यारा गिफ्ट था ये अभी तक का, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। एंड सो गाइस, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि छोटे छोटे हैं। क्या बना रही हो आप? आइस बना रही हो। क्या नाम है आपका? अनिका। अनिका, सो यहाँ पर अनिका है हमारे साथ जो आइस बना रही है। इसके पहले आपने कुछ बनाया है? तो यहाँ पर इनका आर्ट वर्क है, देखिए हमने 3D जो थिंग्स होती हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई हुई है, और अभी ये आईज बना रही है, आई लेशेज बना रही है प्रॉपर, है ना, उसी की प्रैक्टिस कर रही हो। ओके, कौन सी क्लास में हो? फिफ्थ क्लास में। ओके, सो गाइज, जिस वॉल का आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार है वो अब हम देखने वाले हैं, क्योंकि सारे वीडियोस में वही वाली वॉल आती है और आप पूछते इतने सारे अवार्ड, तो हम चलते हैं अवार्ड वाले सेक्शन में। अच्छा, सो गाइज, ये है हमारी अवार्ड वाली वॉल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 सिल्वर प्ले बटन है और एक और आ गया है, उसकी अनबॉक्सिंग अभी नहीं हुई है। एक गोल्डन प्ले बटन है हमारे पास, और शॉर्ट्स से जो हमको मिला था गिफ्ट हैम्पर वो भी है, एंड इसी के साथ 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बाकी के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है वो है हमारे सेकेंड इंस्टीट्यूट पर, एंड बहुत सारे अवार्ड्स जो मुझे मिले हुए हैं, जो कि यूथ फेस्टिवल में मिले हुए हैं, या वुमेंस डे पर मिले हुए हैं, या किसी भी कंपटीशन में मिले हुए हैं। सो गाइज, अगर आपको भी ऐसी वॉल चाहिए, तो जो मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती रहती हूँ कि मौके पर चौका लगाना सीखो, किसी भी मौके को जाने मत दो, तो वो करते रहिए। एंड यहाँ पर एंड होता है हमारा जो कालानी नगर वाले जो इंस्टीट्यूट है उसका क्लास टूर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। एंड अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। बाय।